देखिए लाइफ में कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ें ज़बरदस्ती भी करना पड़ता है। जैसे बचपन में पढ़ने का मन नहीं करता लेकिन पढ़ना पड़ता था, पढ़ता था कि नहीं। किसी को डॉक्टर के पास जाने का मन नहीं करता लेकिन जाना पड़ता है, है नहीं। बचपन में खाना खाने का मन नहीं करता था लेकिन मम्मी पापा ज़बरदस्ती खिलाते थे। तो लाइफ में कुछ भी काम ऐसा होता है जो ज़बरदस्ती भी करना पड़ता है, मन नहीं करता है लेकिन करना पड़ता है। आप ही के तरह आज से 12 साल पहले हमें भी कोई पकड़ के लाया था और ज़बरदस्ती ताली बजा रहे थे, और जब ताली नहीं बजाते थे तो बगल वाले तो बीच में तो फंसे हुए थे। बात समझ रहे हैं? मजबूरी में 1 से 2 घंटा ताली बजाए, और आज उनका रिटर्न पर डे ना जाने कहां कहां 25,000 से प्लस लोग ताली बजाते हैं। एक दिन बजाए थे ज़बरदस्ती, आज रिटर्न मिल रहा है इतना ज़्यादा। मुद्दम सही ऐसा इसलिए क्योंकि एक अच्छा स्टूडेंट ही एक अच्छा टीचर हो सकता है। जिस स्टूडेंट को पढ़ने में मन नहीं लगेगा उस टीचर का टीचर भी बनेगा तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो अच्छा स्टूडेंट बन के रहना भी ज़रूरत है, है नहीं। अच्छी बहू ही अच्छी सास बन सकती है। अच्छे डॉनलाइन, अच्छे लोग, अच्छे ताली बजाएंगे तभी जाके आप अच्छे सीनियर और अच्छे मैम बन सकते हैं। क्लियर? तो कभी कभी लाइफ में मजबूरी भी में कुछ काम करना पड़ता है। हमें भी हमारा सीनियर जो बताया, जब प्लान हो रहा था सारे चीज़ें, तो प्लान और यहाँ पर कम देखते थे और बार बार उसी को देखते थे कि तुम ही लाए हो ना, जल्दी टाइम तो हो जाए फिर तो हिसाब किताब कर लेंगे। मतलब हम लोग को पता नहीं क्या चीज़ का जल्दी है, क्या चीज़ का जल्दी, कहाँ जाएंगे, कौन सा काम करेंगे। बाहर में लोग परेशान हैं लेकिन यहाँ आए फिर भी यहाँ से भी परेशान हैं। भाग होगा कि पृथ्वी गोल है, अगर किनारा सब रहता ना तो आदमी तरह तरह गिरता, समझ रहे हैं? लोग गिर नहीं रहा है, मतलब परेशान है। देखिए ज़िंदगी में अगर हमें कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो कुछ चीज़ें सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है और अच्छे लोगों के माहौल में रहना पड़ता है। आज अगर एक नॉर्मल इंसान, जैसे आज अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आपका भी कोई ना कोई वजह होगा, किसी का दोस्त वजह होगा, कोई किसी का भाई वजह होगा, किसी का कोई वजह होगा, कोई किसी को साथ में लाया है, कोई किसी को छोड़ के आया है, कोई किसी को समझा के लाया है, तरह तरह की बातें। हमें भी आज से 12 साल पहले समझा के लाया गया था लेकिन समझाने से फर्क नहीं पड़ा, फर्क पड़ा जो मेरे साथ वजह था जिसके वजह से मैं आज यहाँ हूँ। अगर कोई इंसान आज जिस जगह पे है वो अपने वजह के वजह से, आज एक नॉर्मल इंसान अपने वजह के कारण कामयाब हो जाता है, अपने फैमिली का नाम रोशन कर देता है। मीन्स उसका वजह क्या? मेरे पास भी वजह था, मेरे पास वजह ये था कि मैंने 7वीं क्लास तक सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते थे बोरा लेके जाते, शर्म तब लगता था, शर्म यहाँ नहीं लगता था, शर्म तब लगता था जब बोरा लेके जाते थे पढ़ने के लिए, और 8वीं क्लास में कर गए तब जाके कोचिंग में क्लास एडमिशन हुआ। 70 रुपया के लिए सुबह सुबह टीचर बेइज्जत करता था कि पैसा कब देगा, मन करता था गला दबा दे टीचर का। मतलब समस्या वहाँ था, समस्या ये था कि पापा का साइकिल लेके जाते थे स्कूल कोचिंग, साइकिल का डेली ब्रेक फेल होना, कुछ न कुछ स्पोक टूटना, कुछ न कुछ होना, 5 गाली डेली सुबह शाम मिलता था। कि 9वीं 10वीं में कितना अच्छा सा साइकिल चलाते आपको भी पता है,
वो तो साइकिल चलाता है कि हवाई जहाज चलाता है? हाथ छोड़ के चलाते हैं, जैसे भी गौरव सर बोले थे ना, हाथ छोड़ के जवानी में, है कि नहीं, हाथ छोड़ के साइकिल चलाते थे। लगता था 5 रुपया के लिए पापा है कि क्या है, कसाई है, मतलब साइकिल के लिए 10 गाली दे दिए। मीन्स वजह ये था कि पैसा, क्या पैसा है, 5 रुपया का क्या महत्व है, मतलब इस तरह से लगता था। दोस्त, जब बारिश का मौसम होता था ना, तो घर से पानी टप टप गिरता था। जब पानी गिरता था ना, एक तो पानी गिर रहा है घर में, इसके बाद बादल गरज रहा है, और फिर भी पापा बोल रहे कि सो गया क्या? अरे सो नहीं, सोएंगे नहीं तो नागिन डांस करेंगे क्या? और 9वीं 10वीं में नींद कितना अच्छा लगता है आपको भी पता होगा, लेकिन जैसे 8-9 बजा तो नींद तो बिना बुलाए आ जाता है, है नहीं है? मतलब उस समय नींद लग रहा है, एक पानी गिर रहा है, कोने में दुबके हुए हैं, फिर भी पापा उंगली कर रहे हैं कि सो गया क्या? बोलता गरज रहा, अरे गरज रहा तो एक इधर भी गिरा दे। मतलब एक वजह था, मतलब लगता था भगवान ये समस्या से कब निकालिएगा, कब कोई ऐसा रास्ता दीजिए कि ये समस्या से निकले, कोई ऐसा एक बार मौका तो दे।